दायां बायां बायां, चलो वहां कुछ और ही दिख रहा है यार। दायां क्या कंफ्यूजन है यार? कोई कंफ्यूजन नहीं है। कौन है बे? ओह अच्छा अच्छा अच्छा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो भैया आपका स्वागत है बढ़ती का नाम गाड़ी पर। एक्सीडेंट्स की कहानी भूतों की जुबानी। तो हमारे गेस्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, मैं वहाँ फंसा हुआ था। एनीवेज, तो आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं दायां बायां 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 दायां बायां। ओके ओके भाई साहब ओके। तो आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर दायां बायां। तो आइए मिलते हैं। कहाँ हैं सर आप? कहाँ हैं? ये यहाँ बैठना है आपको? मैं यहीं हूँ। अच्छा बैठ गए क्या? अरे वाह वाह क्या बात है, क्या धमाकेदार एंट्री मारी है आपने। दायां बायां कंफ्यूज करके रख दिया, मैं तो खैर हो ही गया, हमारे मतलब देखने वाले भी कंफ्यूज हो गए होंगे। जब आप आ ही गए हैं मतलब दायां बायां, तो आप अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दे दीजिए। मेरा नाम है दायां बायां, मैंने रॉन्ग साइड पर चलकर अपना जीवन गंवाया। याद रखो खास बड़ी गाड़ियों के लिए कि सड़क पर लेफ्ट ही राइट है और राइट है रॉन्ग। माफ कीजिए मतलब राइट लेफ्ट दाएं बाएं में मुझे तो कंफ्यूजन हमेशा ही रहा है जिंदगी में। पहले मुझे भी होता था, है ना? लेकिन इसका इलाज क्या है? मेरी कहानी सुनकर सब कंफ्यूजन मिट जाएगा। अरे वाह, देरी काहे कर रहे हैं आप, एकदम शुभ है बात, शुरू करते हैं। तैयार है ना आप लोग? वेरी गुड, दर्शक भी तैयार जी। तो बात ऐसी है कि मैं अपना सीधा और उल्टा हाथ दोनों यूज कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने कभी लेफ्ट राइट का टेंशन पाला ही नहीं। मेरे लिए दोनों एक बराबर। और इसी चक्कर में मैंने सड़क पर कभी टेंशन पाला ही नहीं कि मैं गाड़ी किस तरफ चला रहा हूँ। हाँ तो फिर एक रोज मैं बीच सड़क पर गाड़ी चला रहा था, कभी लेफ्ट तो कभी राइट जा रहा था। तभी रेयर व्यू में दिखा कि पीछे से एक एम्बुलेंस आ रही है। अब नियम ऐसा है कि गाड़ी हमेशा सड़क की बाईं तरफ मतलब लेफ्ट हैंड मतलब उल्टे हाथ पर चलानी चाहिए। हाँ मतलब बायां मतलब लेफ्ट, करेक्ट? राइट नहीं, राइट लेफ्ट। चलिए आप कहानी आगे बढ़ाइए। और खास तौर पर तब जब आप एक हैवी गाड़ी चला रहे हों। लेकिन अपन चल रहे थे अपनी धुन में। देखा है, लेफ्ट राइट का कंफ्यूजन भी है और धुन भी है। एनीवेज फिर क्या होना था, गलती मेरी थी। मैंने एम्बुलेंस वाले ड्राइवर साहब को कंफ्यूज कर दिया और उन्होंने पीछे से टक्कर मार दी। मेरा कंट्रोल बिगड़ा और गाड़ी 20 फीट नीचे नदी में और मैं ऊपर। तो देख रहे हैं आप कि उल्टे हाथ पर न चलने से सीधे ऊपर पहुंच जाता है। लिखा रहता है ना मतलब रोड पर भी कीप लेफ्ट, क्योंकि हमारे यहाँ जो रोड हैं वो लेफ्ट पे चलने वाले रोड हैं, राइट पे चलने वाला ओवरटेक करता है। अच्छा मुझे एक दाएं बाएं साहब एक बात बताइए, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है मुझे कि कोई सड़क होती है ना इसमें बहुत सारे रास्ते होते हैं मतलब मल्टी लेन्स, तो उसमें फिर क्या करना चाहिए? सही सवाल है। अगर आप ट्रक टैंकर डंपर जैसी कोई भारी गाड़ी चला रहे हैं तो आपको एकदम लेफ्ट वाली लेन पर ही चलना है, और ओवरटेक तो सिर्फ और सिर्फ राइट साइड से ही करना चाहिए, वो भी सिग्नल देकर। और याद रहे अगर आपके पीछे कोई इमरजेंसी व्हीकल मतलब एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड या पुलिस की गाड़ी है तो उन्हें निकलने के लिए साइड देना चाहिए। हाँ करेक्ट है, मतलब आप रोड पर चल रहे हैं, आप देखा पीछे आपने देखा गाड़ी आ रही है कोई, तो आपने साइड दे दी सो दैट वो गाड़ी ओवरटेक कर पाया, और गाड़ी जितनी हो सके लेफ्ट साइड पर कर लेनी चाहिए। कई बार होता है कि ऐसा भाई जगह ही नहीं है, है ना, मतलब चलती हुई गाड़ी के लिए जगह नहीं, तो आप साइड में लेफ्ट करके गाड़ी खड़ी कर दीजिए, जो भी गाड़ी इसको ओवरटेक करना है वो गाड़ी आपको ओवरटेक करके निकल जाएगी। अब थोड़ा सा लेट हो जाएंगे आपकी, आपने गाड़ी रोक दी किसी दूसरे को साइड देने के लिए, बट वो बेटर है ना यार, इससे कि आप परमानेंटली मतलब हो गए जैसे भाई साहब हो गए। सही कहा, तुम दिखते घोंचू हो पर हो समझदार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप वैसे दिखते तो नहीं है लेकिन बातें बड़ी समझदार वाली करते हैं, तो समझदार ही होंगे नहीं? हाँ मरने के बाद अच्छे अच्छे गधों को अकल आ जाती है। हाँ मतलब आप कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, हालांकि इस बात का मुझे कोई एक्सपीरियंस है नहीं, लेकिन हाँ इस बात में मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सर थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मतलब मेरा भी जो कन्फ्यूजन था दाएं बाएं का, और शायद हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उनका भी कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा आपकी कहानी जानकर, मतलब ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ अपनी कहानी शेयर करने के लिए। फिर इंशाल्लाह कभी मुलाकात होगी तो मुलाकात करेंगे आपसे। तो चलिए देखते हैं आज का बम्पर स्टिकर। गाड़ी चलाएं लेफ्ट साइड पर,
ओवरटेक करें राइट से, और पीछे अगर एम्बुलेंस हो तो लेफ्ट दबाएं और निकलने दें राइट से। चलिए दोस्तों, अगले एपिसोड में मुलाकात करते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ, एक नए दोस्त के साथ। तो ध्यान रखिए, बी फॉर बाएं, मतलब जब भी गाड़ी चलाएं बाएं गाड़ी चलाएं। बाय बाय।